नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव के टीम के एक अहम हिस्सा जिनका नाम है विवेक सिंह, जो खेसारी लाल यादव के मैनेजर का काम कर रहे थे। खेसारी लाल यादव को मैनेजमेंट कर रहे थे और मैनेजर इन सेंस ऑफ की खेसारी लाल यादव का भाई अकेले हैं तो बहुत सारा काम होता है, तो उस काम को कैसे हैंडल किया जाए, कब कहाँ कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए, बेसिकली उसके लिए मैनेजर हायर किया जाता है। सो उसका खेसारी लाल यादव के टीम का विवेक सिंह पार्ट थे। विवेक सिंह मैनेज करते थे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या टाइमिंग है, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, इन तमाम चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं नज़र आती है। लेकिन अब जो है खेसारी लाल यादव के जो टीम के हिस्सा हैं विवेक सिंह, वो अब टीम से बाहर हो गए हैं और ऐसा उन्होंने खुद जो है बताया था। उन्होंने कहा था कि मैनेजर आएंगे जाएंगे, आप स्टार बनिए और आप स्टार हैं और बने रहिए। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया के बाद ये भी लगभग कंफर्म हो गया कि ऐसा लगता है कि अब विवेक सिंह बाहर हो गए हैं खेसारी लाल यादव की टीम से। अब जो है चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, नई नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह बाहर नहीं हुए हैं बल्कि बाहर किया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो विवेक सिंह जब क्लियर करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो चर्चाएं हो रही है उस पर हम नज़र डालेंगे। तो क्या वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से विवेक सिंह को हटाया गया या फिर विवेक सिंह हट गए, ये मैं जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूँ इसमें इंटरेस्टिंग, कि अब जो है जो वो विवेक सिंह हैं उन्होंने अब खेसारी लाल यादव को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पर आप जाकर देखेंगे तो विवेक सिंह के फॉलोअप में जो खेसारी लाल यादव रहते थे पहले, वो अब नहीं है। तो ये भी हो गया, लगभग गुस्सा जारी होगा भाई, कुछ ना कुछ अनबन हुआ होगा जिसकी वजह से अब विवेक सिंह ने उनको मना कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनका जो इंस्टाग्राम है उसको अनफॉलो कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या वजह हो सकती है, तो देखिए इसमें कई सारी वजहें निकल कर सामने आ रही है। पहली वजह जो है एग्रीमेंट को लेकर आ रही है। एग्रीमेंट को लेकर जो वजह आ रही है वो ये है कि भाई एग्रीमेंट में खेसारी लाल यादव जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ फंसे थे, उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता के साथ अगर किसी का नाम आता था तो वो नाम था विवेक सिंह का, क्योंकि विवेक सिंह ही मैनेजर हैं, वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके का एग्रीमेंट कैसे हो गया। उसके चलते खेसारी लाल यादव की काफ़ी किरकिरी भी हुई, खेसारी लाल यादव का मामला कोर्ट में भी पहुंचा। खेसारी लाल यादव इस मामले के चलते कई सालों तक जो है उनको परेशानी झेलनी पड़ी और अभी भी इस मामले को लेकर परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। तो ये एक बड़ी वजह लग रही है, क्योंकि इसमें नाम जो है विवेक सिंह का ही आ रहा था। उस पर बीआईबी विजेंदर ने आरोप भी लगाया था कि खेसारी को बर्बाद कर देंगे ये लोग पैसा लेकर, तो इस तरीके की चीज़ें अनबन बातें हुई थी। तो ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि भाई जब खेसारी लाल यादव फंसी गए हैं एग्रीमेंट में, जब चीज़ें सही नहीं हो पाएगी या फिर होगी इन फ्यूचर, होगा नहीं होगा इस पे बाद में तो कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो फिर मैनेजर की क्या ज़रूरत है। और अगर मैनेजर के चलते इस तरीके की चीज़ें हो जा रही है, जहाँ तक बातें हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, हालांकि ये सच्चाई कितनी है इस पे मैं कोई मुहर नहीं लगा रहा हूँ, तो ये एक वजह हो सकती है, कहा यह जा रहा है कि एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह कि जब एक विशाल सिंह पवन सिंह की टीम का जो व्यक्ति था, तो इन दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो गया था, जो मैनेजर विवेक सिंह हैं और विशाल सिंह के बीच, और इस समय जो है उसने विशाल सिंह ने काफ़ी गाली गलौज किया था खेसारी लाल यादव को, भद्दी गालियां दिया था फ़ोन पर, और वो जो कॉल था वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था। तो अगर किसी मैनेजर के चलते इस तरीके की गाली अगर कोई स्टार सुन रहा है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हो पाती है और ये अच्छी बात है भी नहीं। इस पर मुझे लगता है कि हर कोई इसको सहन नहीं कर पाएगा कि आपके मैनेजर के सामने लोग जो है आपको बड़ी बड़ी गालियां दें और वो गालियां वायरल हो जाए जिसके चलते आपकी किरकिरी हो। तो ये एक दो वजहें सामने आ रही है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो विवेक सिंह हैं उन्होंने साथ छोड़ दिया है या फिर उनको हटा दिया गया है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन द क्लियर पॉइंट इज दैट कि भाई विवेक सिंह इज द नॉट अ पार्ट ऑफ खेसारी टीम, यानी खेसारी लाल यादव को विवेक सिंह विल नॉट मैनेज, तो सिंपल ये खबर है। बाकी क्या वजह हो सकती है इन दो वजह में, आपको क्या लगता है वजह, या फिर विवेक सिंह अपने मन मुताबिक चीज़ों को किए हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।